इस प्रोजेक्ट में यशपाल जी की हमारी एक प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं राजीव रोशन जी, अमित जी, आप लोग भी ध्यान से देखें। जी तो यही चाहते हैं कि अगर मैं यहाँ पे ऑल किया तो मुझे अप्रैल, मई, जून तीनों सीट का टोटल यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है? जी अगर मैंने सेलेक्ट किया अप्रैल तो फिर वो अप्रैल महीने का ही डेटा दिखना चाहिए, और डेटा कौन सा दिखना चाहिए? जो कलर्ड है। नहीं नहीं जो ऊपर वाला है वो मंथली है ना। हाँ ये चाहिए, कलर्ड तो प्रोग्रेसिव टोटल है। हाँ ये नीचे वाला तो टोटल हो गया, प्रोग्रेसिव टोटल हो गया, क्योंकि अप्रैल में तो यही रहेगा, मई में और मई में वो अप्रैल का टोटल है। ओके ओके, तो आप क्या चाहते हो? ऊपर वाला डेटा ही चाहते हो, ऊपर वाला डेटा का टोटल चाहते हो ना? हाँ ऊपर ऊपर वाला, ऊपर ठीक है चलिए। तो मंथली में तो ऊपर वाला आ जाएगा, जैसे बी टू आ जाए, और प्रोग्रेसिव में वो बी थ्री वाला आना चाहिए। तो प्रोग्रेसिव मतलब कि एक समझ आप, ओके अच्छा, इसमें एक चीज और भी करना चाहते हैं आप कि मंथली और प्रोग्रेसिव मतलब कि दो फिल्टर होना चाहिए, दो कंडीशन होने चाहिए जी यहाँ पे, एक यहाँ पे होना चाहिए आपका मंथली, और कॉमा दूसरा होना चाहिए प्रोग्रेसिव। जी पीआरजी कर देता हूँ सिर्फ, ठीक है? ओके तो इसके लिए, अब इसके लिए क्या करें? देखिए इसके लिए हमारे पास, आप बताइए कि सीट तीन ही होगा, इसे ज्यादा भी हो सकता है? नहीं सर, सीट तो मेरे पास होती है ना, अप्रैल से मैं शुरू करना और मार्च तक चलेगा, वो तो साल तक चलता और है आप ना। सारा ऑटोमेटिक आप लेना चाहते हैं ना? जी हाँ ये भी बना देता है, बार बार सीट आपको ऐड ना करना, तो इसके लिए फिर वीवीए फंक्शन चलना पड़ेगा हमें। तो आज देखिए कंडीशन हमें पढ़ना है, और कंडीशन की जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस होती है वो फंक्शन में होती है सर, इसलिए मैंने इस बैच में इनका जसपाल जी का ये प्रॉब्लम लिया है, ताकि आपको कंडीशन की, आपका आपका अगला टॉपिक कंडीशन है, तो कंडीशन क्योंकि कल जो आपने फॉर्म बनाया था उस फॉर्म पे भी कंडीशन लगाना है कि ब्लैंक हो तो वो मतलब सबमिट ना ले, डुप्लीकेट को सबमिट ना ले, मैसेज दे, तो कंडीशन पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं फंक्शन देता हूँ, फंक्शन फंक्शन का नाम देता हूँ सम, और सम के सम तो है ही, मतलब कि सम डी के नाम से, सम डी के नाम से एक नया फॉर्मूला मैं बना रहा हूँ, और उसकी इनपुट क्या है? उसके इनपुट सबसे पहला है आपका कंडीशन वन, मतलब कि नेम वाले इंस्टीट्यूशन में कंडीशन, यहाँ पे एन एज ए मैंने कर दिया स्ट्रिंग, और फिर आपका ये दूसरा इनपुट भी आपका है कि भाई टाइप टी एज ए ऑल्सो स्ट्रिंग, दो इनपुट है, ठीक है? और एक चीज ध्यान रखिएगा, डेटा सेम फॉर्मेट में होना चाहिए, चीज का ध्यान रखिएगा सर। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना सर, तो प्रॉब्लम ये इसका सीक्वेंस और रिपोर्ट में का सीक्वेंस दोनों एक ही है कि अलग अलग है? इसकी सीक्वेंस वो तो ये तो मैंने वो कर दिया ना, मर्ज सेल को मर्ज कर दिया है, तो सेम ही। ओके मतलब नहीं मतलब कि सीक्वेंस की हम बात कर रहे हैं, सीक्वेंस सीक्वेंस तो ठीक है सर, तो हो सकता है ना सीक्वेंस हो जाए, तो क्यों ना मैच के अकॉर्डिंग चले। तो यहाँ पे सबसे सबसे पहले हमें लूप लगाना पड़ेगा कि फोर आई इक्वल टू चले वन टू शीट्स, एक काम करता हूँ लूप को हम बाद में करते हैं, क्योंकि लूप ही लोग नहीं समझ पाएंगे, तो पहले हम लूप हटा देते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हमें देना है, मैच करना है हमें इसमें, ठीक है ना? मैच मैच करेगा कि भाई इसको इसको मैच करके उसका रो नंबर निकालेगा अप्रैल कॉमा जीरो, तो इसने रो नंबर टू दिया, इसको सर्च करके रो नंबर टू दिया, टू का ही चाहिए हमें, ऊपर ही चाहिए। चलिए
टू तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, आर डिम आर एज ए हम यहाँ पे इंटीजर लेते हैं, और यहाँ पे या इंटीजर की जगह पे आप लॉन्ग भी ले सकते हैं, लॉन्ग। तो लॉन्ग इंटीजर में क्या होता है, 32,000 तक ये स्टोर होता है, लॉन्ग में 32,000 से ज्यादा स्टोर होता है। फिर यहाँ पे आर इक्वल टू, अब मैच का फॉर्मूला लगाना है, और मैच फॉर्मूला वीवीए को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता है, तो उस केस में क्या करना होगा, यहाँ एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन वर्कशीट डॉट मैच देना होगा। मैच में क्या मैच करना है, तो हमें मैच करना है, अब इसमें एक एक इनपुट और देना होगा हमें, एक दिक्कत यहाँ पे और आ गई, एक इनपुट और देना होगा, मैच कैटेगरी डिम यहाँ पे एम एज ए स्ट्रिंग ऑल्सो। मैच इसमें हमने बोला कि मुझे एम को मैच करना है किसके अंदर, तो सीट्स, सीट में हमने दिया वन पहली सीट डॉट रेंज, और इसमें हमने दिया ए बाई ए, ए से लेके ए तक, ठीक रेंज है। स्पेलिंग करना ठीक सर, रेंज स्पेलिंग कॉमा जीरो, कॉमा जी सर। ये फिर कॉलम जो शीट्स में है, शीट्स को भी ठीक करना पड़ेगा वो सीक्वेंस, ये मैं बात कर दूंगा, ऐसे तो अच्छा ऐसे मैं अच्छा कर दूंगा मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब बात है कि हमें रिपोर्ट में किसका चाहिए, यहाँ पे अब मंथ चाहिए, तो यहाँ इसको कंडीशन के अंदर देना पड़ेगा, ठीक है ना। कंडीशन देना पड़ेगा कि इफ एन इक्वल टू एन नॉट इक्वल टू ऑल, सॉरी नॉट इक्वल टू ऑल, देन ए चलना चलेगा, ठीक है। एल्स, एल्स में हमें क्या करना है, इसमें एस में एल्स में हम देंगे इसको सेम, और यहां पे जो हमने सीट वन किया है ना, इसके जगह पे दे देंगे क्या है एन, समझ में आया सर, कि अगर ऑल हुआ यहाँ पे ऑल हुआ तो हर एक सीट में जाके वो रेंज करेगा, अदरवाइज किसी एक सीट में करेगा, समझ गए। अब इसमें अब इसमें एक और कंडीशन यहां डलेगी, अब यहां पे एक और कंडीशन डलेगी कि इफ टी इक्वल टू पी आर इन्वर्टर कॉमा में पी आर जी, देन कि अगर टी, अगर टी अगर पी आर जी है, पी बड़ा होना चाहिए ना, केस याद रखिएगा वीवीए का इफ केस सेंसिटिव होता है, कि इफ टी इक्वल टू पी आर जी देन, ठीक अब इसमें हमें रिजल्ट को सम करना है, तो एक सम के लिए यहां पे लेता हूं मैं डिम एस एज ए लॉन्ग, यहाँ पे देना है कि s इक्वल टू s प्लस शीट्स i डॉट सेल्स, सेल्स में रो हो जाएगा हमारा t, इसमें r प्लस वन, r प्लस वन,
और कॉलम, यहाँ पे मुझे एक और एंट्री देना पड़ेगा कॉलम की, भाई किस कॉलम का डेटा चाहिए, ये है ना आपको दिख रहा होगा सर, तो मुझे इसका भी मैच निकालना पड़ेगा यहाँ पे, तो इसका भी मैच निकालना पड़ेगा, जाइए तो यहाँ पे सी एज ए स्ट्रिंग, और यहाँ हमें आर के जो कॉमा, सर मैं पूछना चाहता हूँ वो मॉड से नहीं कर सकते हम? नहीं तो डेटा आपको चाहिए ना, कई सारे कंडीशन पे डेटा चाहिए सर, उधर फिल्टर करना होगा तो कर लीजिएगा आप, लेकिन डेटा यहाँ देख रहे हैं हम कितना सारे डेटा चाहिए, और सिंपल मॉड्स होने वाला रहता तो क्यों नहीं कर लेते हम, एम के जगह पे सी सी और रेंज 1/1, देखिए ना सिंपल हो गया, अब ज्यादा नहीं टाइम नहीं लगेगा, नहीं थ्री है ना इसमें, इसमें हर डेटा में वन पे है ना, हाँ ये 1/1, इसका कॉलम नंबर सी सी पे हो जाएगा, और यहाँ पे कॉमा सी सी, और यहाँ पे हम दे देंगे एंड इफ, एंड इफ नहीं यहाँ पे एल्स करना है, हाँ एल्स, एल्स में हम इसको लेते हैं, और यहाँ प्लस वन प्रोग्रेसिव का हटा देते हैं, और यहाँ पे एंड इफ हो जाता है, और ये चीजें आपके लूप में जाएगी कि फोर आई इक्वल चले 1 to फीट्स डॉट काउंट, डॉट काउंट माइनस वन, एक कम करना है ना इसलिए, और नेक्स्ट माइनस माइनस वन माइनस वन, हाँ नेक्स्ट आ गया माइनस वन डॉट काउंट माइनस वन माइनस वन, और उसके बाद अगर मान लीजिए वो अगर ऑल नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं और आप सिलेक्ट कर रहे हैं क्या ओनली फॉर पर्टिकुलर सी को, सीट को, तो उस समय सेम चीज यहां आएगा, ये जो आप देख रहे हैं सेम चीज यहां आएगा, और यहां भी जो हमने सीसी किया ये भी देना पड़ेगा आपको कॉलम नेम, ठीक है, और ए 1/1 सीसी, सीट 1 के जगह पे एन हो जाएगा, और यहाँ एस इक्वल टू आई नहीं होगा ए एन होगा, यहाँ भी आपका एन होगा, और डॉट वैल्यू लगाना भूल गया था, डॉट वैल्यू और डॉट वैल्यू, और इसमें प्लस नहीं होगा, फिर प्लस हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक ही सीट है ना इसलिए, और फिर यहाँ आपका एंड एन डी एंड एफ, बस बन गया फॉर्मूला आपका, अब बाहर जो है आप कर दीजिए सम डी है ना, हाँ सम डी इक्वल टू एस, क्योंकि आपका फाइनल रिजल्ट एस पे होता है, सम डी इक्वल टू एस एस, अब यहाँ पे मैं लगाता हूँ, यहाँ पे इक्वल करना इक्वल सम डी, पहले देना है हमें ए, फिर हमें देना है नहीं एक मिनट एक मिनट, हाँ ए एक मिनट देखिए पहले क्या क्या देना है, पहले देना एम, एम क्या है आपका एम का मैच है, तो आपको पहले यहाँ पे सम सम डी इसमें पहले देना इसको M को, ठीक है, M के बाद कौन सा है N, एक मिनट रुक जाइए मैं एक बार लिख ही लेता हूँ यहाँ पे, M है N है T है और C है, M आपका हो गया जो A है आपका, आप इसका नाम चेंज कर लीजिएगा, M के जगह पे कुछ और लिख दीजिएगा, ठीक है, तो इक्वल सम डी, हमने इसको सिलेक्ट किया, हमने अप्रैल को सिलेक्ट किया, हमने टाइप प्रोग्रेसिव को सिलेक्ट किया, और हमने सिलेक्ट किया इसको, ठीक है
विदाउट ऐसा यहाँ पे कोई छूट गया है, रुक जाइए। शायद पहले वाला इफ नहीं, यहाँ पे हमने फोर स्टार्ट किया और यहाँ पे आपका नेक्स्ट आई खत्म हो गया। हमने इस इफ तो अलग है और इस इफ को स्टार्ट किया एंड इफ कर दिया। अब एल्स हमने यहाँ पे लगाया, एल्स में इफ लगाया, हमने यहाँ पे इसको एंड इफ कर दिया और यहाँ पे एक एंड, अच्छा दो एंड इफ दे दिया था हमने सर। अब सही चलेगा। अब ये वैल्यू एरर दे रहा है, वैसा क्यों दे रहा है, चलिए इसको एक बार देखते हैं। अच्छा यहाँ पे सीट नहीं, यहाँ पे आई देना होगा, ये वन के जगह पे हमें आई देना होगा। अच्छा हाँ, ये जो मैच लग रहा वो आई थिंक ठीक नहीं होगा क्योंकि शीट्स में हमने मर्ज किया हुआ है। प्रॉब्लम नहीं है, मैच हो जाता है। अच्छा एरर पकड़ा, पकड़ लिया। एरर क्या था, एरर क्या था, हमने यहाँ पे सी सी कर दिया जबकि सी सेव करना था यहाँ पे, इसी दिक्कत था। अब रिजल्ट आप 28 आ गया। अब मुझे इसको जी नीचे की तरफ ड्रैग करना है तो इसका आपका ए फ्रीज हो जाएगा, बी वन आपका पूरा फ्रीज होगा, सी वन आपका पूरा फ्रीज होगा और बी थ्री का हमारा थ्री फ्रीज होगा। ओके ठीक है, अब मैं प्रोग्रेसिव की जगह पे मंथली करता हूँ तो मंथली आ गया, प्रोग्रेसिव ऑल कीजिए, ऑल बेसिकली कोड में चेंज करना पड़ेगा। सही तो है, ऑल ए डबल एल ऑल। अब ऑल में आपका वर्क नहीं कर रहा है ना, मंथली आपका वर्क कर रहा है। जी। ठीक है, ऑल आपका वर्क नहीं कर रहा है तो ऑल में दिक्कत क्या है, एक बार देख लेता हूं मैं। एम को चला, रो नंबर दे दिया, या मैच में गड़बड़ होगा एप्लीकेशन डॉट यहाँ पे एम कॉमा शीट आई डॉट रेंज ए बाई ए कॉमा 0, शीट वन 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 कॉमा 0 शीट आई फंक्शन मैच।
इसमें कहीं पर प्रॉब्लम है मैच वगैरह में. 1 2 sheet.count-1 cc इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट सी. सी को मैच करना है सीट आई के रेंज 1/1 में. नेक्स्ट आई पे यहाँ पे सी सी इक्वल टू 0 और आर इक्वल टू 0 कर देता हूँ मैं. सीट आई तो सही है. यही मैच में ही प्रॉब्लम लग रहा है सर. ये दोनों लाइन है ना, यहाँ पे मैच वर्क कर रहा है एक पर्टिकुलर सीट्स पे, बट ए लूप में नहीं कर रहा है. कहीं पे हमने गड़बड़ तो नहीं किया हुआ है. मैं इसको एक देखता हूँ सर, देख के कल रिस्पॉन्स करता हूँ इस पर. ठीक है सर, आपका ए आधा हो गया काम, बस ऑल वाला काम नहीं कर पा रहा है ना. ठीक है ठीक है, यहाँ पे चेंज करना. आज रिपोर्ट सही है, नीचे यहाँ में आर के जगह पे एस करना है. एस. तो ए मैच आपका काम कर रहा है, ये दोनों मैच काम कर रहा है आपका. ये मैच जो है ये मैच वर्क नहीं कर रहा है. अच्छा, इसमें एक देखना होगा कि सब में नाम है ना, ऐसे तरह कोई नाम नहीं है सर. नाम तो है सभी में. ये नाम सब में है ना. हाँ सभी में. सर मैं इसको एक बार माइक्रो में डाल के कल चेक करता हूँ सर. चलो ठीक है सर. ठीक है ना. तो इसमें अमित जी, राजीव गौतम जी, देखिए इफ जो लगता है इसमें, इफ लगाने का तरीका यही है आपका कि यहाँ पे हम इफ देते हैं. यहाँ पे देखिए इफ का इफ देते हैं, हम कंडीशन देते हैं, देन लगाते हैं और अपना रिजल्ट देते हैं जो कि ट्रू पार्ट का रिजल्ट है वो देंगे. फिर आपका फॉल्स एल्स में फॉल्स है तो एल्स देंगे और यहाँ पे आपका फॉल्स पार्ट का रिजल्ट होगा और यहाँ आपका एंड इफ होगा. ऐसे आप एक इफ में कई सारे इफ लगा सकते हैं, कई सारे एल्स लगा सकते हैं. देखिए इस इफ में ए इफ है, फिर इसकी इस एल्स में एक और इफ है. ऐसे अलग अलग पार्ट में आप इफ का यूज दे सकते हैं और इफ में केस सेंसिटिव होता है, इसका ध्यान रखिएगा. ठीक है. ठीक सर. दूसरी चीज है, फंक्शन जब भी आप बनाते हैं तो सब्जेक्ट नहीं फंक्शन बनता है. नाम दीजिए और ये फंक्शन के हमारे इनपुट्स होते हैं. ठीक, क्लियर है. ऐसे कोड में रिप्लाई कर देता हूँ, आपने तरफ से भी देखिएगा कहाँ पे एरर है, फिर मैं अपने तरफ से देखता हूँ. सर एक एक बात और पूछनी थी. जो आपने वो पढ़ाया था ना, इनडायरेक्ट लगाकर वो टेक्स्ट का रेफरेंस लेना डाटा वैलिडेशन में, वो डाटा वैलिडेशन तो हो जाती है एक सेल में हो जाती, हमें वो ड्रॉप डाउन चाहिए सारी सारे कॉलम में आ जाए वो. नहीं तो उसके लिए भी सो मैनी सीट्स, उसी को कॉपी करके पेस्ट एज डेटा वैलिडेशन कर दीजिए. सर वो तो फिर डाटा वैलिडेशन हो जाएगा ना. हाँ वो सारी की सारे वो डाटा आ जाना चाहिए रो में, उस पर कोई फंक्शन लगाना हो जैसे वीलोकअप लगाना हो. देखना पड़ेगा, इसलिए कुछ सोचना. जहाँ फिर सर कोई इवेंट मैक्रो हो जब हमने ये सिलेक्ट किया ये यहाँ आ जाए. हाँ वो कॉपी करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कुछ उसके लिए सर. पहले मैं इसको इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ सुबह. ठीक है ना.
ठीक सर कर देना जी, मैं अप्रैल से मैं काम करना जी, मैं आधा तो आपका हो, इसमें आधा तो आपका हो गया है, आधा बचा हुआ है सर। ठीक सर, ठीक, थैंक यू। ओके।